यहाँ पर नाले के ऊपर कचरा इतना भरा हुआ है कि नाले के अंदर जाने वाला पानी जो है बिल्कुल उसका फ्लो नहीं हो रहा नाले की तरफ जाने का, जिसकी वजह से जो है नाला दूसरी साइड से जो है फट चुका है। यहाँ पर कचरा है, कंडराट का मंजर एकदम पेश हुआ हुआ है यहाँ पर। वालेकुम नाजरीन, कराची बाखबर के साथ मैं हूं हमजा अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर यारो गोट में। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कचरा कसीर तादाद में पड़ा हुआ है। यहां पर मैं जो इस वक्त खड़ा हुआ हूं यहां पर ये नाला है, नाला जो है इस वक्त बंद हो चुका है। एक साइड जो है नाले की बिल्कुल बंद हुई दिखाई दे रही है। कचरा है, कंडराट का मंजर एकदम पेश हुआ हुआ है। यहाँ पर नाला बना हुआ है, यहाँ पर नाले के ऊपर कचरा इतना भरा हुआ है कि नाले के अंदर जाने वाला पानी जो है बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा नाले की तरफ जाने का, जिसकी वजह से जो है नाला दूसरी साइड से जो है फट चुका है। यहाँ पर दो ट्रैक बने हुए हैं यहाँ पर, जो कि एक ट्रैक जो है वन वे चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अब नाला जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। यहाँ पर कचरा चुनते हैं, इसके अंदर से मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है कचरे के अंदर से चीज़ें बरामद होती हैं जिसको फ़रोख्त करते हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको आगे चलता हूँ और यहाँ के शहरियों की आवाज़ सुनवाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। कराची को कचरे का ढेर बना के रखा हुआ है, करीबन 10 साल को हो गए ऐसे। मुझे देखते धंधा है नहीं, कुछ बंद हुआ है और ट्रैफिक हमेशा जाम रहती है। आने जाने में बहुत मसला होता है, जगह फैलते हैं, सब बीमार होते हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं। ये हमारे हुक्मरानों की जो है शनाख्त है, तो दावे करती है हुकूमत कुछ करती कब है, इससे पहले कब करा है। कचरा चुनने के बाद ये जो है ना हम लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बड्डे सब कुछ है, बात समझ आ गया। पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो चलान बना देते हैं बीती चक्कर में। नाला टूट गया, नाला भी रोड के ऊपर आ गया पूरा। यहाँ नाजिम भी बने, टोन नाजिम भी बने, काउंसलर भी बने, सब उठवा सकते थे पर किसी ने नहीं उठवाया। ये देखें, ये नाला बना हुआ है, नाला जो है बिल्कुल बंद हुआ हुआ है। नाले के ऊपर ही मैं खड़ा हुआ हूँ और नाले के अंदर इतना कचरा भरा हुआ है। यहाँ पर गत्ते, थैलियाँ और दूसरा जो कचरा जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का यहाँ पर पानी आता है। कुत्ते यहाँ पर लौट रहे हैं, यहाँ पर कचरा चुनने वाले यहाँ मौजूद हैं। एक साइड का ट्रैक बंद हो चुका है जो कि चोरों की आमाज का बिल्कुल बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शहरी एकदम परेशान है यहाँ पर, क्योंकि एक साइड का ट्रैक चल रहा है। यहाँ पर आने जाने वाले शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रात का टाइम होता है, रात के वक्त जो है शहरी आते हैं यहाँ पर, जो जिनको असले के ज़ोर पर अपनी कीमती अशिया से महरूम कर दिया जाता है। सिंध हुकूमत को चाहिए यहाँ पर अपनी एक तवज्जो दे। यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है दावे करते हैं, रोड कारपेटिंग हो रही है यहाँ पर, सोशल मीडिया पर अपना जो है तस्वीरें डाल रहे होते हैं कि मैंने फलाना जगह पर रोड डाल दिया, फलाना जगह पर रोड डाल दिया। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ यारो गोट और दीगर जो ऐसे इलाके बने हुए हैं यहाँ पर कचरा जमा हुआ हुआ है, यहाँ पर नाला बना हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको शहरियों की राय से आगाह करता हूँ। कचरा चुनने से पहले सर नौकरी करा करता था, जिससे ये कि गुजारा नहीं है। अब ये है कि कुछ कचरा चुनने के बाद भी भाई ये है कि गुजारा बस रोटी पे सैलानी से लेते हैं, जिसकी वजह से ये है कि बस घर चल रहा है, बस एक टाइम पे खाते हैं, दो टाइम पे नहीं खा सकते, मजबूरी है, क्या करें, किसको जाके बताएं। ये कचरा जो है ये हमारे हुक्मरानों की जो है शनाख्त है। ये कचरा जो है यहाँ के लोग जो हैं कारोबार करते हैं इस पे जो है अपनी रोज़ी चलाते हैं। ये आवाम की परेशानी नहीं है, ये हुक्मरानों की परेशानी है। ये अगर वो चाहें तो ये उठवा सकते हैं, पर यह है कि ये हमारी हुकूमत जो है नाकस हो चुकी है, बिल्कुल जो है इसकी डेड है कारकर्दगी, वरना ये एक ज़माने से पड़ा हुआ है। यहाँ नाजिम भी बने, टोन नाजिम भी बने, काउंसलर भी बने, सब उठवा सकते थे पर किसी ने नहीं उठवाया। फैलते हैं, सब बीमार होते हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं। पूरा रास्ता बंद करा हुआ है, रोड बंद करा हुआ है, वन वे जाना पड़ रहा है, इधर से उधर से दोनों तरफ गाड़ियाँ, सब उल्टे तरफ से गाड़ियाँ जा गई हैं। आगे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो चलान बना देते हैं बीती चक्कर में। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कचरे की वजह। भाई बहुत परेशानी हो गई बंदे के आने की वजह से। चोरी डकैतियाँ इतनी हो गई है, जगह जगह डकैती, कहाँ कहाँ से बचे बंदा। ये कचरा पड़ा हुआ है रोड के ऊपर, यहाँ पे एक रोड बिल्कुल कचरे से बंद करा हुआ है। यहाँ कचरा डालते लाके अगवानी और उसके बाद जो है ना ये रोड बंद हो जाता है। यहाँ पे वो ढूंढते रहते हैं, उन्होंने अपना कारोबार बना के बैठे हुए हैं। एक रोड खोला हुआ है, इसके ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, राउंड साइड जो भी जाता है सार्जेंट खड़े हुए वो चालान काट देते हैं। अब आदमी क्या करे बताओ। हुकूमत तो दावे करती है, हुकूमत कुछ करती कब है? इससे पहले कब करा है? कराची को कचरे का ढेर बना के रखा हुआ है, क्या समझे? घर जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है, गडर भरे हुए, ना सेवरेज का सही निज़ाम है, ना कचरे का सही निज़ाम है। यहाँ पे पानी जो मिल रहा है पीने के लिए वो भी बदबू वाला मिल रहा है। ज़ाहिर है जब गडर का पानी मिलकर आएगा लाइनों में तो बदबू वाला ही पानी मिलेगा और उससे बीमारियाँ फैलेंगी।